यार आज की वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। देखो मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि खर्चा थोड़ा कम होने वाला है। वीडियो का टाइटल पढ़ाना एग्जैक्टली वही होने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी कुछ ले आओ खाने पीने के लिए और शुरू करते हैं। ये है भाई दाल कचौड़ी और हल्दीराम के मेन्यू में ये सबसे चीपेस्ट खाने का आइटम है यार। मतलब मुझे ना सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने फोन निकाला एंड मैंने सोचा क्यों ना हल्दीराम से कुछ ऑर्डर करें। हाँ ये नाम 19 रुपए का है और 19 रुपए का समोसा भी मिलता है, वो अवेलेबल नहीं था तो सिर्फ दाल कचौड़ी से काम चलाना पड़ेगा। और लिटरली आज पूरे दिन मेन्यू में जो सबसे चीपेस्ट खाना होने वाला है ना मुझे वो खाना है। वैसे ऐसी वीडियोस ना मैं पहले भी बना चुका हूँ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में पिज्जा हट का सबसे चीपेस्ट पिज्जा एंड सबसे चीपेस्ट बर्गर ऑफ बर्गर किंग, तो ये सब मैं कर चुका हूँ और आप लोग यार बहुत देखते हो। मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग फॉर्मेट भी की जाए। साथ में भाई ये भी आई है, ये सही है यार। अभी लोग पैकेट में ऐसी चटनियाँ देते हैं, लिटल लिटल चटनी। ओहो थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये नीचे गिरेगी। ओ भाई दिस इज गुड, स्पेशली विद दिस मीठी चटनी। यार पुदीने वाली चटनी देते क्या मेरे साथ में? मैं सब बता रहा हूँ, मैं बड़े महीनों बाद कचौड़ी खा रहा हूँ, मज़ा आ गया यार। वैसे पता है क्या, मुझे लगा था हल्दीराम के मेन्यू में सबसे जो चीपेस्ट आइटम होगा वो होगा इनका वड़ा पाव। आई थिंक 40 रुपीज़ का मिलता है, बट उससे भी सस्ती तो यार ये कचौड़ी है। ये एक्चुअली जो इनका प्रिंटेड मेन्यू होता है ना उसमें नहीं थी, ये तो बस मुझे जोमैटो में नज़र आ गई थी, ठीक है तो मैंने ऑर्डर कर दी। इसकी फिलिंग चेक करो भाई, दाल के साथ साथ इसके अंदर ना और भी काफ़ी कुछ डाला हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, लिटरली दो बाइट लिया मैंने और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। लास्ट बाइट पे भी आ गए यार हम, पेट तो भरा नहीं। बट और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो सीन ये है, अगले 8 घंटे तक मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा, ठीक है, और उनके मेन्यू में सबसे चीपेस्ट आइटम ट्राई करूंगा। ये सीन है, बस यार भूखा ना मरूं मैं। तो चलो भाई लेट्स गो आउट एंड लेट्स ईट समथिंग सस्ता टुडे। तो तुम्हारा भाई अभी आया है कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे हैं और यहाँ का बेस्ट सीन बने गया है, आप हॉर्न दबाओ और मेन्यू सीधा गाड़ी में आता है। अरे आ रहा है मेन्यू, वेट आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा मेन्यू में, ठीक है 5 मिनट दो। देख रहे हो कहा था ना मैंने, वैसे ना यहाँ मैं पराठे खाने आता था बट इनके मेन्यू में सबसे सस्ता आइटम पता कौन सा है यार? ये देखना, आइटम तो ठीक है, कितना साफ मेन्यू है इनका। वैसे जो सबसे चीपेस्ट आइटम है दैट इज प्लेन पराठा 20 रुपए का। भैया एक प्लेन पराठा कर दो। ऑर्डर कर दिया, नाउ अ फ्यू मिनट्स लेटर भैया स्पाइसी वाली चटनी भी दे दो। आलू प्याज का पराठा है और चिकन पराठा है भाई साहब, दैट इज सो गुड। सही में यार मैं हर संडे आता था यहाँ पे, मैं और मेरा छोटा भाई, भाई साहब 3-3 चिकन पराठे खा के जाते थे हम। लो भाई चटनी का फ्लेवर आज तक नहीं बदला। लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे बहुत समय बाद आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शायद कंटेंट बनाने ही आया था और अब फिर कंटेंट बनाने आ रहा हूँ। इस पूरी लेन में जो सबसे फेमस ढाबा है ना वो लक्ष्मण वाला है, बट मैं वहाँ नहीं जाता, मैं ये गुप्ता जी वाले पे आता हूँ, मतलब आता था। ये भाई नॉट बैड, 20 रुपए में और क्या लोगे यार। सच बता रहा हूँ यार चिकन वाला पराठा मैं बहुत मिस कर रहा हूँ भाई। देखो पराठा तो यार ऑलमोस्ट रैप अप हो ही गया, अब इस मोमो चटनी के डर से ना मेरा कुछ देसी चाइनीज खाने का मन कर रहा है, कहाँ चले। गाइस देखो मेरा मन कर रहा था कुछ बढ़िया सा चाइनीज खाने का, अब साउथ दिल्ली वाली हाफ फ्राइड ब्रांच तो थोड़े दिनों बाद खुलेगी तो इसलिए मैं होंग्स किचन आ गया और इनके मेन्यू में सबसे चीपेस्ट आइटम पता है कौन सा है? ये चेक करो, वेज ओजी मोमोज 49 रुपीज के 5 पीस, नॉट बैड है ना भाई। इनके वेज मोमोज चेक करो, ग्रीन है भाई। ये देखो दीज आर डेफिनेटली मशीन से बने हुए मोमोज बट दैट्स ओके, फ्लेवर आना चाहिए भाई। ओहो फिलिंग चेक करो, काफ़ी सारी वेजीज हैं इसके अंदर। सो चटनी देखना प्रॉपर यार उसमें आई है बॉक्स में। अरे यार भाई मुझसे नहीं खुल रही है। हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। लिटरली भाई चटनी खोलने के बड़े स्ट्रगल्स हैं। अरे यार ओके लेट मी डिप
वेज मोमो इनसाइड देयर चटनी, भाई बहुत गाड़ी है, और साथ में कोई मेयो वेयो नहीं आई, ठीक है। तो ये सीन है, मुझसे रुका नहीं जा रहा भाई, बहुत भूख लगी है भाई। देखो मोमोज आर नॉट बैड, बट यार इनकी चटनी ना मुझे बड़ी सिंथेटिक सिंथेटिक लग रही है भाई, प्रॉपर लग रहा है इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, नॉट फ्रेश। मोमो सही है, गुड फ्लेवर्स, आई मीन डोमिनेटिंग फ्लेवर पेपर का आ रहा है, बट इट्स गुड। बट भाई देखो मोमोज का असली मज़ा तो चटनी में ही आता है, चटनी में आई थिंक थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बाकी मोमोज चलेंगे भाई। जिसके अंदर बीन्स, कैरेट, कैबेज सब है यार, नॉट बैड, चाहे मशीन वाले मोमोज ही हैं बट टेस्टी तो हैं। देखो भाई बातें करते करते ही ऑलमोस्ट पूरी प्लेट मोमोज की ख़त्म हो गई है, मतलब 5 ही पीस थे इसमें, अब यार कुछ ठंडे में खाएं। गाइज चेंज ऑफ प्लान, वैसे ना मुझे आइसक्रीम खानी थी बट फिर मुझे बेल्जियन वॉफल नज़र आ गया एंड मैंने सोचा वाई नॉट, और इनके मेन्यू में जो सबसे चीपेस्ट आइटम था ना वो वॉफल नहीं था भाई, वो है पैनकेक्स, और मैंने ऑर्डर किया है बटर मेपल पैनकेक्स, और इसके ऊपर देखना इन्होंने ये शुगर भी डाली हुई है। लुक एट दिस ब्रो, द मेपल इज़ ड्रिपिंग, और इसके अंदर ना बहुत सारा बटर डाला है इन्होंने, मैंने अपनी आँखों से देखा है, ट्राई करें। दिस इज गुड भाई साहब, ये लोडेड है यार बटर से, ये देखना अगर मैं इस पर फोक भी लगाऊँ ना अंदर से बटर और मेपल कैसे निकल रहा है यार, ये देखो गिल्टी प्लेजर है मेरा, ये 1500 कैलोरीज होंगी बट मज़ा बहुत आ रहा है खाने में। इसके ऊपर ना ये थोड़ी सी चॉकलेट ड्रिजल कर देते हैं, ओए होए होए क्या लगते यार ये, बट अभी भी सही है यार, ऐसा लग रहा है ब्रेड को बढ़िया चाशनी के अंदर टिप करके दिया हुआ है, ये वाली वाइब आ रही है। बट ऑफ कोर्स दे हैव अ रियली डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल बिकॉज ऑफ द मेपल सिरप एंड बिकॉज ऑफ द बटर। बस भाई और ये लास्ट था, अब थोड़ी देर के लिए 2 times देन फिर कुछ बढ़िया खाएंगे। गाइस पता है क्या, अभी मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे आइडियली एक बर्गर का प्राइस है 350 से 400 रुपए, और मैंने इनका सबसे चीपेस्ट बर्गर ऑर्डर किया है, इज द वेज गीजा बर्गर, और ये भी भाई 250 रुपए का है। अरे मतलब इसमें 250 रुपए जैसा क्या है भाई, लेट मी टेल यू, एक बन है, काफ़ी सारा लेटस है, सिराचा सॉस है, मोटी सी पैटी है, और 2 slices टमाटर है, ये सीन है। चलो भाई ट्राई करता हूँ भाई, बर्गर में से पत्ते अलग हो गए हैं, लुक एट द चीज, पता नहीं क्यों यार मेरे को ज़्यादा फ्लेवर लेटस का और आलू का आ रहा है, ऑल्दो इसमें काफ़ी सारी सियाचा सॉस है बट फिर भी। वैसे सच बताऊँ 250 रुपये का बर्गर है और साइड में फ्राइज भी नहीं आए, मुझसे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा भाई, और ये सस्ता बर्गर है इनका भाई, हल्की हल्की केचप डाल के इसे ट्राई करता हूँ, ऐसे तो इतना कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा। वाह अब लग रहा है ना एकदम देसी बर्गर जो मैंने अभी अभी घर पे बनाया हो, कचप के साथ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ठीक ही लगा यार मुझे सही में भाई। सेकंड लास्ट बाइट बर्गर में तो इतना कुछ मज़ा आया नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली पैटी थी इनकी। अब चलते हैं एंड कॉफ़ी शॉफी पिए यार, मेरा ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं कॉफ़ी शॉप चला गया, और वहाँ पे सबसे सस्ती कॉफ़ी पता है कौन सी थी, एक्सप्रेसो शॉट। कोल्ड कॉफ़ी के सपने लेके गया था, अब मेरे हाथ में है एक्सप्रेसो, ये ना 77 रुपीज़ की है, और 77 रुपीज़ के क्रोसों भी दिखाने में, तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए। एक्सप्रेसो शॉट मुझे पता है भाई ये कितना कड़वा होता है बट अरे यार बिना शुगर डाले नहीं हो पाएगा, देख रहे हो भाई 77 रुपीज़ की इतनी सारी कॉफ़ी, ओके है ना। वैसे तो घर पे मैं अमेरिकानो पीता हूँ, अमेरिकानो इज़ मतलब ये एक्सप्रेसो शॉट में गर्म पानी, दैट्स इट, वो मुझे आजकल सही लगती है, बट यार ऐसी वाली कॉफ़ी नहीं पी जाती, ये तो शुगर डालने के बाद भी वाहियात लग रही है। खैर मेरे पास ये हैं 77 रुपीज़ के कुसों, चेक दिस आउट, ओह नो मेरे साथ स्कैम हो गया है, उन्होंने मुझे बोला था इसके ऊपर हम बढ़िया से चॉकलेट ड्रिजल करके देंगे बट वेयर इज द चॉकलेट, देयर इज नो चॉकलेट ओनली क्रोसों, ओ ये तो बढ़िया है भाई, छोटे छोटे क्रिस्प क्रोसों हैं, चॉकलेट होती मज़ा आता, बट ऐसे भी सही लग रहे हैं, चाय के साथ खाने में लगेंगे भाई। वैसे इन मिनी क्रोसोंस को देख के ना मुझे एक अपनी वीडियो याद आ गई, उसमें ना मैंने इतने छोटे छोटे क्रोसों भी खाए थे, मतलब यही साइज था, और मैंने इतना बड़ा क्रोसों भी खाया था भाई साहब, 1100 रुपये का था वो, मुझसे थोड़ा सा ही खाया गया था,
मतलब ठीक है, एक शशके वाली चीज थी, बट मतलब नाम हो गया, मैंने इतना बड़ा क्रोसॉन्ट खाया है। पता नहीं क्यों यार मेरा ये करने का मन कर गया। बचपन में ना मैंने दूध में बहुत सारे पार्ले जी डुबाए हैं, तो वहीं से आदत आई है। ओ सही लग रहे हैं यार, जेन्युइनली बढ़िया लग रहे हैं। बस कॉफी ठीक नहीं है, बाकी क्रोसॉन्ट तो सही है। सो लास्ट बाइट, मतलब क्रोसॉन्ट बचे हैं बट वो पैक होंगे। अब घर चलते हैं हम सुबह फुल, और फिर घर पे जाके डिनर फिगर आउट करते हैं। Few moments later. यार मैं सोच रहा था डिनर के लिए क्यों ना कुछ टाको शाको हो जाए, क्या कहते हो? चेक दिस आउट भाई, मैंने ना ये हार्ड शेल टाको कैलिफोर्निया बुरीटो से ऑर्डर किया था, जो कि अब ऑलमोस्ट सॉफ्ट शेल टाको हो चुका है, और 99 रुपीज़ का ये टाको है। ये चीज़ ना सबसे सस्ती थी इनके मेन्यू में। वैसे हार्ड शेल के साथ ना मैंने सॉफ्ट शेल वाला भी ऑर्डर कर दिया, दोनों का प्राइस सेम था, तो ये सीन था। वो एक्चुअली मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लगी थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों वो पोटैटो वाला टाको ऑर्डर कर देते हैं। सो थोड़ा थोड़ा क्रंची तो है भी। ओ शिट भाई, देख लो थोड़ा सा रेस्क्यू हो गया, मतलब मोस्टली रेस्क्यू हो गया यार, सारी फिलिंग नीचे गिर गई। वही है ना, ये देखो ये सीन हो गया इसका, हार्ड शेल टाको की तो बैंड बच गई भाई, बैंड तो बच गई, बट दिस इज गुड। वैसे कैलिफोर्निया बुरीटो की ना मुझे सारे फूड आइटम्स के टेस्ट एक जैसे ही लगता है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देयर सॉसेस एंड बेस, बट ये सही है भाई, नॉट बैड भाई। मैं क्या करूँ, राजमा तो सारे यहाँ गिर गए हैं। आई थिंक सारा फ्लेवर ना इसमें जो इन्होंने मेयो डाली है उसका आ रहा है, इट्स अमेजिंग। तो यार सॉफ्ट शेल वाला ट्राई करें। देखो जी सॉफ्ट शेल वाला तो ऐसा लगता है भाई काठी रोली है, सेम टेस्ट है भाई, बस क्रंची है, ये फर्क है दोनों में। और दोनों का प्राइस 99 था, मैंने सोचा भूखा रहने से बढ़िया दोनों ऑर्डर कर देते हैं। सारे मैंने एक चीज़ ऑर्डर किया भाई साहब, कोक को इन्होंने इस फॉइल पेपर में क्यों रैप करके दिया है, आई डोंट नो, बट वो डिलीवरी ना चार्जेस लग रहे थे उसमें, तो मैंने सोचा कोक भी ऑर्डर कर दूं, तो डिलीवरी चार्जेस मैंने बचा लिए, दैट्स द रीज़न ये आई है, वरना और कोई रीज़न नहीं है। बट टाकोस बढ़िया थे भाई, मज़े आए, हार्ड शेल वाले में तो आए मुझे। और सच बता रहा हूँ इस खाने की मैराथन में ना आज तो तुम्हारा भाई थोड़ा थक गया है, ठीक है, मज़ा आया बट वीडियो में, आई रियली होप आपको भी मज़ा आया होगा देखने में, एंड मैं होप कर रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर देना यार, कोई नहीं अपना ही चैनल है, ठीक है। तो अभी मैं चला, एंड लेट मी नो यार आपको नेक्स्ट चैलेंज कौन सा देखना है, कमेंट कर देना। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। चलो भाई अब आराम से कोक जीरो पीते हैं।